मित्रों, ये कहानी है लक्ष्मी जी के स्वरूप की। लक्ष्मी जी का एक रूप दरिद्रा का भी है। दरिद्रा देवी जहाँ जाती हैं वहाँ अभाव, गरीबी और कष्ट ही होता है। कथा कुछ ऐसी है, समुद्र मंथन के समय हलाहल के निकलने के पश्चात दरिद्रा देवी की उत्पत्ति हुई, उसके बाद लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई, इसलिए दरिद्रा को ज्येष्ठा भी कहते हैं। दरिद्रा का विवाह दुसह ब्राह्मण के साथ हुआ। विवाह के बाद दुसह मुनि अपनी पत्नी के साथ विचरण करने लगे। जिस देश में भगवान का उद्घोष होता, होम होता, वेद पाठ होता, भस्म लगाए लोग होते, वहाँ से ज्येष्ठा दोनों कान बंद कर दूर भाग जाती। अर्थात भगवान की जहाँ खूब पूजा होती, होम यज्ञ होते, वहाँ दरिद्रा देवी बिल्कुल भी नहीं रुक पाती थी। ये देखकर दुसह मुनि उद्विग्न हो गए। उन दिनों सब जगह धार्मिक चर्चा और पुण्य कृत्य हुआ करते थे, इसलिए दरिद्रा भागते भागते थक गई। तब उसे दुसह मुनि निर्जन वन में ले गए। वहाँ दरिद्रा डर रही थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर किसी अन्य कन्या से विवाह न कर ले, क्योंकि दरिद्रा के साथ रहकर मुनि भी सुख से नहीं रह पा रहे थे। दुसह मुनि ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं किसी अन्य कन्या से विवाह नहीं करूँगा। उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया। आगे बढ़ने पर मुनि ने महर्षि मार्कंडेय को आते हुए देखा। उन्होंने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया और पूछा कि मैं अपनी पत्नी के साथ कहाँ रहूँ और कहाँ न रहूँ। मार्कंडेय मुनि ने पहले उन स्थानों को बताना शुरू किया जहाँ दरिद्रा को प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये कहानी हमारे आपके जीवन से जुड़ी है दोस्तों। घर में समृद्धि, धन की आवक और परिवार में सुख शांति अगर हो तो क्या करना चाहिए, और तीनों को विदा करना हो तो क्या होना चाहिए। मार्कंडेय जी ने कहा कि जहाँ रुद्र के भक्त हों, भस्म लगाने वाले लोग हों, वहाँ तुम लोग प्रवेश मत करना। जहाँ नारायण, गोविंद, शंकर, महादेव आदि भगवान के नाम का कीर्तन होता हो, वहाँ तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग उगलता हुआ विष्णु का चक्र उन लोगों के अशुभ को नाश करता है। जिस घर में स्वाहा और वेद का घोष होता हो, जहाँ के लोग नित्य कर्म में लगे हुए भगवान की पूजा में लगे हों, उस घर को दूर से ही त्याग देना। जिस घर में भगवान की मूर्ति हो, गाय हो, भक्त हो, उस घर में भी तुम मत घुसना। तब मुनि ने पूछा, महर्षि आप हमें ये बताएं कि हमारे प्रवेश के स्थान कौन कौन से हैं। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा कि तुम उन जगहों पर रहोगे जहाँ पति पत्नी आपस में बहुत झगड़ा करते हों, वहाँ तो तुम निर्भय होकर घर में घुस जाना। जहाँ भगवान की निंदा होती हो, जप होम आदि न होते हों, जहाँ भगवान का नाम न लिया जाता हो, उस घर में तुम बेधड़क जा सकते हो। जो लोग बच्चों को न देकर स्वयं खा लेते हैं, उस घर में भी तुम दोनों घुस सकते हो। जिस घर में कांटेदार दूध वाले पलाश के वृक्ष और नीम के वृक्ष हों, जिस घर में दोपहरिया अपराजिता के फूल पेड़ हों, वे घर तुम दोनों के रहने योग्य हैं, वहाँ अवश्य जाओ। जिस घर में केला, ताड़, तमाल, इमली, कदम, खैर के पेड़ हों, वहाँ तुम दरिद्रा के साथ घुस जाया करो। जो स्नान न करते हों, मंगल कृत्य न करते हों, जो मुख साफ न करते हों, गंदे कपड़े पहनते हों और संध्या काल में सोते या खाते हों, जुआ खेलते हों और ब्राह्मण के धन का हरण करते हों, दूसरों की स्त्री से संबंध रखते हों और सफाई से न रहते हों, और जिनके घरों में सफाई न रहती हो, उन घरों में तुम दरिद्रा के साथ रह सकते हो। मार्कंडेय ऋषि के इस तरह बताकर जाने के बाद दुसह ने अपनी पत्नी दरिद्रा से कहा, ज्येष्ठे तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, मैं रसातल जाकर रहने के स्थान का पता लगाता हूँ। दरिद्रा ने पूछा, नाथ तब मैं खाऊंगी क्या, मुझे कौन भोजन देगा। मुनि ने कहा, प्रवेश के स्थान तो तुम्हें मालूम हो ही गए हैं, वहाँ घुस कर खा पी लेना। हाँ, ये याद रखना कि जो स्त्री पुरुष पुष्प धूप आदि से तुम्हारी पूजा करती हों, उसके घर में मत घुसना। इतना कहकर दुसह रसातल में चले गए। ज्येष्ठा वहीं बैठी हुई थी, लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु वहाँ आ गए। तब ज्येष्ठा ने भगवान विष्णु से कहा, मेरे पति रसातल चले गए हैं, मैं अब अनाथ हो गई हूँ, मेरी जीविका का प्रबंध कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, दरिद्रा जो माता पार्वती, शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, उनके सारे धन पर तुम्हारा ही अधिकार है, उनकी तुम अच्छी तरह उपभोग कर सकती हो।
जो लोग भगवान शंकर की निंदा कर मेरी पूजा करते हैं, ऐसे मेरे भक्त अभागे होते हैं, उनके धन पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। इस प्रकार ज्येष्ठा को आश्वासन देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित चले गए। इसीलिए कहा जाता है दिवाली के 5 दिनों के पहले एक दिन पहले दरिद्रा देवी को विदा किया जाता है। घर की सारी गंदगी को बाहर निकाल कर ससम्मान कहा जाता है कि हे दरिद्रा देवी, आप घर से प्रस्थान कीजिए, आपके जाने के बाद ही हमारे घर में लक्ष्मी जी आएंगी। जानते हैं दोस्तों, दरिद्रा से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्यार, सफाई, भगवत कीर्तन, शुभ कार्य, परमार्थ, करुणा और दया।